हेलो फ्रेंड्स, आई एम राधिका एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ बेल बटन पे हिट करिए ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। तो आज का मेरा वीडियो है होम क्लीनर कैसे बनाते हैं घर पे। ये बहुत ही ईजी है, अफोर्डेबल है, बहुत ही क्विक बन जाता है और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो सबसे पहला मेरा इंग्रेडिएंट है, मैं सबसे पहले ले रही हूँ एक वाटर बॉटल। इसके अंदर नॉर्मल प्लेन वाटर मैंने भर लिया है। नेक्स्ट इसके बाद में मैं इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ विनेगर। ये वाइट विनेगर है, आपको ईजीली किसी भी ग्रॉसरी शॉप पर मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर डाल रही हूँ वाइट विनेगर। आप थोड़ा सा इसमें वाइट विनेगर ऐड कर लीजिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं ऐड करना है, थोड़ा सा। देन इसके बाद में मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा बेकिंग सोडा। ऑलमोस्ट 2 स्पून में इसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड करूंगी। देन नेक्स्ट मैं इसके अंदर ऐड करूंगी थोड़ा सा लिक्विड सोप। अगर आपके पास लिक्विड सोप नहीं है तो आप इसके अंदर डिटर्जेंट भी ऐड कर सकते हैं। एंड लास्ट के अंदर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी इसेंशियल ऑयल। ये फ्रेग्रेंस के लिए है और ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे आप ऐड कर सकते हैं, आप ना चाहें तो इसे ना ऐड कीजिए। मैं ऐड कर रही हूँ क्योंकि जब आप होम क्लीनिंग करते हैं तो एक अच्छी सी स्मेल ये पीछे छोड़ जाता है। और इसके मैं ऐड करूँगी 15 to 16 ड्रॉप्स। इसको मैं एक स्प्रे से क्लोज कर लूंगी। इसको अच्छे से शेक कर लीजिए और आपका DIY क्लीनर रेडी है। आपको ये वाली बॉटल्स इजीली मार्केट में मिल जाएंगी, अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर नीचे लिंक डाल दूंगी कि आप ऑनलाइन इसे कैसे खरीद सकते हैं। और ये इजीली स्प्रेड हो जाता है और बहुत ही इफ़ेक्टिव है। सबसे अच्छी बात है कि आप इससे ग्लास मेटल आपके किचन को, और अगर आप लोग वाइट बोर्ड पे काम करते हैं तो वाइट बोर्ड पे भी ये बहुत अच्छे से असर करता है। तो ये है मेरा पहला होम क्लीनर। सेकंड, अगर आपको ये वुड के ऊपर भी यूज़ करना है देन इट्स आल्सो वेरी सिंपल। आप इसके अंदर कुछ ड्रॉप्स ऑलिव ऑयल की डाल दीजिए और इसको अच्छे से शेक कर लीजिए, तब आप इसको वुडन फर्नीचर के ऊपर भी इजीली यूज कर सकते हैं। अच्छे से शेक कर लीजिए एंड देन इट्स अगेन रेडी टू यूज। तो बहुत ही क्विक है और बहुत ही आसानी से मिलने वाली चीज़ों से ये बन जाता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।